हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जब गूगल डॉक्स में हम टेबल बनाते हैं तो अगर हमें उस टेबल में जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ कम या ज्यादा करनी हो तो हम कैसे करेंगे। आप पूरे टेबल में जितने भी कॉलम हैं सबकी विड्थ एक साथ कम या ज्यादा कर सकते हैं या किसी खास कॉलम की विड्थ भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको कि आपको पूरे टेबल में जितने कॉलम है सबकी विड्थ कम या ज्यादा करनी है या किसी खास कॉलम की विड्थ कम या ज्यादा करनी है। अगर किसी खास कॉलम की करनी है तो आपको अपना कर्सर वहां पर रखना होगा, मतलब उस कॉलम में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बीच वाला चाहते हैं तो हमें इसमें कहीं पर अपना कर्सर ऐसे यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी टेबल की जो जितने भी कॉलम है सबकी विड्थ एक साथ कम या ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमें पूरी टेबल ऐसे देखिए सेलेक्ट करनी होगी। तो मान लीजिए कि हम पूरी टेबल में जितने कॉलम है सबकी विड्थ कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद टेबल के बीच में कहीं पर भी कर्सर ले जा करके आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये है टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे टेबल प्रॉपर्टीज के। ये देखिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है कॉलम्स पे और यहाँ पर देखिए ये है कॉलम विड्थ का ऑप्शन। यहाँ पर अगर टिक ना हो तो टिक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेबल की जो विड्थ है वो कम या ज्यादा मतलब कम होने लग जाएगी। ये देखिए दिख रहा है आपको कम हो रही है, तो नीचे वाले से कम होगी, ऊपर वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेबल की विड्थ ये देखिए ज्यादा होती चली जाएगी।